क्वेश्चन ये है कि टी इक्वल टू जीरो पर एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि टी इक्वल टू वन सेकेंड पर और टी इक्वल टू थ्री सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से इक्वल हाइट पर है और हमें प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट मतलब कैपिटल एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को हमें अप्लाई करना है और जो भी वेरिएबल हमें नहीं मालूम है हम उस वेरिएबल को एज्यूम कर लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को दो मेथड सॉल्व करेंगे। तो आते हैं मेथड नंबर वन पे। मेथड वन में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है नहीं मालूम है हम उसको वी मान लेंगे, प्रोजेक्टाइल का एंगुलर प्रोजेक्शन वो भी नहीं मालूम है उसको हम थीटा मान लेंगे। तो अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी है और एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा है, ठीक है। इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू वन सेकेंड पर जो प्रोजेक्टाइल है वो पॉइंट ए पर आ जाता है, ठीक है, और t इक्वल टू थ्री सेकेंड पर जो प्रोजेक्टाइल है वो पॉइंट बी पर आ जाता है, सच दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर एट इक्वल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को t इक्वल टू जीरो पर प्रोजेक्ट किया गया था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल को O से A जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम B से Q आने में लगेगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइट दोनों इक्वल है। तो O से A जाने में डिस्प्लेसमेंट जितना है B से Q आने में उतना ही डिस्प्लेसमेंट है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम टेकन दोनों में सेम होगा। मतलब यह हो गया कि टाइम टेकन फ्रॉम बी टू क्यू इज इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए, और ओ से ए जाने का टाइम टेकन हमें पता है वन सेकेंड, तो हो गया वन सेकेंड, ठीक है। और हमें ओ से बी जाने का जो टाइम है वो भी मालूम है, दैट इज थ्री सेकेंड, क्योंकि टी इक्वल टू थ्री सेकेंड पर जो प्रोजेक्टाइल है वो पॉइंट बी पर आता है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। सो टी ओ बी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड। नाउ वी कैन फाइंड टी ओ क्यू, मतलब प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज टाइम टेकन फ्रॉम मूविंग पॉइंट ओ टू पॉइंट क्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ओ क्यू एंड दिस इज नथिंग बट टी ओ बी प्लस टी बी क्यू। तो टी ओ बी की वैल्यू में पता है थ्री सेकेंड प्लस टी बी क्यू, टी बी क्यू इज वन सेकेंड, तो ये टोटल हो गया फोर सेकेंड, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट फोर सेकेंड है और हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है टू बी साइन थीटा बाई जी एंड दिस इंप्लाई दैट 4 इज इक्वल टू टू बी साइन थीटा बाई जी दैट इज 10, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और कैपिटल एच का फॉर्मूला हमें मालूम है, कैपिटल एच होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। अब हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे v sin थीटा की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो यहां से v sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया v sin थीटा इक्वल टू 20, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया v sin थीटा का होल स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g मीन्स 20, ये हो गया 20 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस वाज मेथड नंबर वन।
अब आते हैं मेथड नंबर टू पे. तो मेथड नंबर टू इज अ शॉर्टकट मेथड, इट इज वन लाइन मेथड, मेथड टू. तो मेथड टू में हम बस ये समझना है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर और t इक्वल टू 3 सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से सेम हाइट पर है. मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल हमें दिख रहा है 2 सेकेंड के बराबर है. इसका मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्टाइल को यहां से हाईएस्ट पॉइंट दैट इज एस बोलते हैं इसको, हाईएस्ट पॉइंट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज एच एंड दिस पॉइंट इज बी. प्रोजेक्टाइल को ए से बी जाने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है और हमें पता है कि ए से एच जाने का टाइम और एच से बी जाने का टाइम सेम होगा. मतलब ए से एच जाने में भी 1 सेकंड लगेगा और एच से बी जाने में भी 1 सेकंड लगेगा. ठीक है, तभी ए से बी जाने में जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड का है. ए से एच 1 सेकंड और अगेन एच से बी 1 सेकंड. मतलब हो गया कि टी इक्वल टू 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड मींस टी इक्वल टू 2 सेकंड पर प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा. बस हो गया. हमें पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी 0 से फ्री फॉल करता है. मतलब ये हो गया कि 2 सेकंड में, क्योंकि एच से इस पॉइंट को हमने क्यू बोला है, एच से क्यू आने में प्रोजेक्टाइल को 2 सेकंड लगेगा, क्योंकि ओ से एच जाने में 2 सेकंड लग रहा है तो एच से क्यू आने में भी 2 सेकंड ही लगेगा. मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 सेकंड का फ्री फॉल है. तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और 2 सेकंड में कोई पार्टिकल जितना गिर सकता है वही कैपिटल एच की वैल्यू है. तो हमें पता है कि जो एच होगा वो होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हो जाएगा हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया 20 मीटर. ठीक है, मतलब एक लाइन में भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. बस समझना यह है कि ए से बी का जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड है. मतलब ए से 1 सेकंड के बाद जो प्रोजेक्टाइल होगा वो मैक्सिमम हाइट पर होगा. मतलब मैक्सिमम हाइट जाने में उसको 2 सेकंड लगा, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर आने में भी 2 सेकंड लगेगा और 2 सेकंड का जो फ्री फॉल है उसे हम कैपिटल एच की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमारा आंसर हो गया. थैंक यू.